चाय बनाने का बिल्कुल मैं नया तरीका लेकर आई हूँ। पूरा अपन मेजरमेंट के हिसाब से देखेंगे तो मैंने यहाँ पर हाफ गिलास दूध लिया है। हाफ कप से मैंने थोड़ा सा ज्यादा दूध यहाँ पर लिया है क्योंकि मेजरमेंट ऐसा होता है कि जैसे अपन हाफ गिलास दूध लेते हैं, हाफ गिलास पानी लेते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा कम रह जाता है, ये इतना ही बनेगा। अगर अपन जो हाफ गिलास से थोड़ा सा दूध ज्यादा और हाफ गिलास से थोड़ा सा ज्यादा पानी एड करेंगे ना तो क्या है, एक कप चाय का बनेगा। और इस कप के अकॉर्डिंग इसमें कितने कप आ जाएंगे, इसमें ये 2 कप आ जाएंगे। तो दो कप के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सारा मेजरमेंट आपको बताऊंगी क्योंकि ये जो कप है मेरा बड़ा वाला है तो इसमें 2 कप आ जाते हैं, ये छोटे वाले हैं। और ये दूध इसमें ऐड करेंगे और हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है, उसी कप में डाल लिया है जिसमें मैंने दूध ऐड किया है। और ये मेरा डेयरी वाला दूध है, थोड़ा सा मैं इसे ठीक भी कर दूंगी ना, थोड़ा सा पानी ज्यादा भी ऐड कर दूंगी ना तो भी चाय एडजस्ट हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आपका पॉलीथीन वाला दूध है तो आपको लेना है दूध हाफ कप से ज्यादा, अगर और पानी कितना कम लेना है हाफ कप से कम क्वांटिटी में, तभी चाय अच्छी लगेगी और फिक्स मेजरमेंट के हिसाब से बनेगी। और एक मैंने अदरक का छोटा सा बंच लिया है, अदरक आपको ज्यादा पसंद हो चाय में ज्यादा ऐड कर सकते हो, इलायची ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। और सर्दी का मौसम है तो एक काली मिर्च, लौंग भी आप ऐड कर सकते हो, दालचीनी भी ऐड कर सकते हो, तो ये मसाले वाली चाय हो जाएगी। ये मैं काली मिर्च को क्रश कर रही हूँ, फिर ये इलायची को क्रश करेंगे और फिर ये अपन जो ये अदरक है उसे क्रश कर लेंगे छोटी। ऐसे आपको सारा बारीक क्रश कर लेना है और ये सारा मसाला इस चाय में ऐड करेंगे। और नीचे से मैंने गैस ऑन कर दिया है, अब इसमें उबाल आने देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चाय पत्ती। अब चाय पत्ती आपकी कंपनी पे भी डिपेंड करती है और आप कैसी चाय पीते हो उस पे भी डिपेंड करती है, ये दोनों पे कैसे डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए आप लाइट कलर की चाय पीते हो तो थोड़ी कम क्वांटिटी में आप ये चाय पत्ती ऐड कीजिएगा, अगर आप ज्यादा डार्क कलर की पीना पसंद करते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में आप चाय पत्ती ऐड कीजिएगा, और कंपनी पे कैसे डिपेंड करती है। अब मेरी जो चाय पत्ती है डालते थोड़ा सा लाइट कलर ही छोड़ती है, ज्यादा डार्क कलर की नहीं होती है, तो मैं यहाँ पर ये 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। अगर मान लीजिए ये मेरी जो चाय पत्ती है ऐसी क्वालिटी की है कि डालते ज्यादा डार्क कलर कर देती है तो कम क्वांटिटी में मैं यहाँ पर लेती हूँ। और जैसे यहाँ पर 2 कप है तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ शक्कर की। आप गुड़ भी ले सकते हो, गुड़ ज्यादा फायदा करता है, गुड़ वाली चाय हो जाती है वो, और थोड़ा फ्लेवर टेस्ट भी अलग आता है अगर अपन शक्कर की जगह गुड़ डालते हैं तो। शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हो आप। और इसमें चाय पत्ती में 3-4 बार उबाल आने देंगे। और देखिए 1-2 बार इसमें उबाल आया है, चाय पत्ती अपना कलर इसमें छोड़ चुकी है। और थोड़ा सा और पकाएंगे तो ये थोड़ी सी डार्क कलर की हो जाएगी। लाइट कलर की पसंद है तो इस टाइम आप उतार सकते हो, ये झाग है ना वो खत्म हो जानी चाहिए चाय में, तभी अपनी चाय अच्छी बनती है, टेस्टी लगती है और परफेक्ट तरीके से बन जाती है। और जैसे मैंने बताया था कि झाग पूरी हो जाए, खत्म हो जाए और अपनी ये चाय अपना कलर छोड़ दे तो ये पक जाती है। और ये देखिए अपनी चाय पक चुकी है, अब मैं नीचे से गैस बंद कर दूंगी। और वही कप लेंगे और इसमें एक छन्नी लेकर इस चाय को छान लेंगे। और ये लीजिए अपनी चाय बनकर तैयार हो चुकी है, पूरा फिक्स 1 कप है। और ये देखिए तुम थोड़ी सी बची नहीं है, पूरा खाली हो चुका है, पूरा जो मैंने मेजरमेंट बताया उसके अकॉर्डिंग पूरा फिक्स 1 कप अपना बना है। अगर आप सुबह सुबह ये थोड़ी सी कड़क वाली सर्दियों में ये चाय बनाएंगे ना तो आपकी फैमिली को पीकर मजा आ जाएगा, उनकी जो दिन की शुरुआत है ना बड़ी अच्छी होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।